अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ब्लॉग बनाने वाले हैं, बिल्कुल न्यू। ये आपने नहीं देखा होगा अभी तक। तो ये है ग्राइंड क्या हुआ, मतलब आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और ये ठंडा भी हो चुका अच्छी तरीके से। पहले इसको ऐड कर देते हैं आलू, और ये दो हैं मीडियम साइज़ के आलू। दूसरे नंबर पर इसमें ऐड करेंगे बेसन। आप आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर या मैदा। मैं इसको बेसन से बनाऊंगी। मैंने ये लगभग 2 चम्मच बेसन ऐड किया इसमें, और बाकी इसमें ऐड कर देते हैं रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर है ये 1/2 चम्मच से कम है थोड़ा, और टेस्ट के अनुसार नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका डो लगा लेना है, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से इसका डो लगाना है। डो बनाने के बाद इस तरीके से गोल शेप में इस तरीके से आपको ये कर लेना है, और ये पतला करना है, ज़्यादा मोटा नहीं हो, जितना पतला होगा इतना सही बनेगा। इसमें से 1/2 कर लेते हैं, और इसको ये हो चुका है तैयार, इसको साइड पर करते हैं और इसको कर लेते हैं तैयार। इस तरीके से तैयार कर लेना है आपको, फिर दिखाती हूँ साग मुझे क्या करना है। दोनों को इस तरीके से रख लेना और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते रहना है। पहले इसको इधर करना, फिर इधर करना, राउंड ऐसे बनाना है इस तरीके से। मैं 2-3 तरीके से बनाऊंगी तो आप सबको दिखाती रहूंगी। और इसको ना जितना लंबा रखना हो हमें इतना कर सकते हैं, बाकी इसको बाकी एक्स्ट्रा कट कर दें। तो एक डिज़ाइन तो हुआ इसका ये इस तरीके से, और आसान तरीके से बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से आप अगर करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको इधर से ऐसे राउंड लगाएं, उधर से वैसा, और बस इसको मिक्स करके ऐसे छोड़ देना है। एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं चोटी का, तो इस तरीके से आप सब भी ट्राई करना। थोड़ा सावधानी से रखना क्योंकि ये टूट रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आप धीरे धीरे टाइम तो लगता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन देखने में अच्छी लगती है ना, तो खाने में भी मन करता है कि आप खा लो। इस तरीके से चोटी का डिज़ाइन बनाया है मैंने। उसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से करके, और यहाँ से ना थोड़ा सा इसको कट लगाऊंगी, और इसके भी शेप इस तरीके से कर दूंगी इधर से भी। इस तरीके से बना लेना सारा डिज़ाइन। एक डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, ये आपको पास से दिखाती हूँ कट करके। इस तरीके से एक स्पून ले लेना कांटे वाला, और ऐसे डिज़ाइन बनाए, और इधर से भी इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी डिज़ाइन बनकर, सारे इस तरीके से बना लूँगी मैं। और इसको थोड़ा मोटा रखें, ज़्यादा पतला नहीं सही रहेगा, इस तरीके से। और चाहो तो इसे बीच में से ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये भी अच्छा है लुक इसका। इस तरीके से मेरे सारे डिज़ाइन बन गए हैं, इस तरीके से आपको भी बना लेने हैं। एक एक करके मैं सारे इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैंने ये हाई किया था पहले गैस, फिर लो कर दिया है बनाते टाइम,
तरीके से सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने निकाल लिए हैं सारे, इस तरीके से बने हैं ये। थोड़ा शेप में हो गया है, खुल गए हैं, लेकिन वैसे परफेक्ट बने हैं। ये देखिए हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं सारे डिज़ाइन, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप सबको कैसा लगा आज का वीडियो? और शाहजर खाकर दिखाओ, खाकर बताओ, एक पीस इसमें से खा लो, खाकर बताओ कैसा है टेस्ट। अभी थोड़ा गर्म है, अभी खाकर बताएगा मेरा बेटा आप सबको। टेस्ट तो बहुत 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 अच्छा है, इतना मस्त टेस्ट है यार, मज़ा आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।